सिर्फ यही संदेश हम देना चाहते हैं कि हिंदू हिंसक नहीं है, बिल्कुल हिंसक नहीं है, लेकिन हिंदू नपुंसक भी नहीं है। अगर हमारे आदमियों के साथ कुछ होगा तो हम बिल्कुल संसद तक जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। और हिंदू कोई हिंसक नहीं है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। और हिंदू अगर राम को पूजता है तो परशुराम को पूजता है, इसे शांत भी नहीं बैठेगा हिंदू। हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हम आखिरकार अपनी सरकार से इस बात की मांग करते हैं। जो ये है आप देखिए, इसमें लिखा है हिंदू हिंसक नहीं है किंतु हिंदू नपुंसक भी नहीं है। और हिंदू के ऊपर अगर अत्याचार होगा तो हिंदू परशुराम बनने पर मजबूर हो जाएगा। निसंदेह वहाँ की ये विभिन्न जो हिंदू विरोधी पूरे विश्व में लोग हैं, ये उन लोगों का पूरी एक रची हुई साजिश के तहत बांग्लादेश में ऐसा कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार को कि देख रहे हैं आप, जब जो इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, इनको लोगों ने तुरंत कदम लेना चाहिए। जब हिंदुओं के ऊपर अन्याय होगा तो हिंदू अपने हक के लिए तो लड़ाई लड़ेगा ही लड़ेगा और दुश्मन को जवाब भी देगा। एकदम शांत है, देखा जाए तो कोई भी पार्टी ट्वीट नहीं कर रही है। और जब सरकार बनती है वहाँ पर राहुल गांधी जी स्वयं वहाँ पर ट्वीट करके उसको बधाई देते हैं, तो ये देखा जाए कहीं ना कहीं तो राजनीतिक से जोड़ा जाता है। किसी के साथ भी हिंसा हो, वो चाहे किसी दल का हो, वो किसी वर्ग का हो, वो किसी समुदाय का हो, बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर किसी ना किसी रूप से उसके बारे में कहना चाहिए। देश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार का आक्रोश रायबरेली में भी देखने को मिल रहा है। रायबरेली जो कि गांधी परिवार का गढ़ है और राहुल गांधी यहां के सांसद हैं। हम आपको एक स्लोगन दिखाते हैं, जो ये है आप देखिए, इसमें लिखा है हिंदू हिंसक नहीं है किंतु हिंदू नपुंसक भी नहीं है। ये जो हिंदू हिंसक वाली का जो लाइन है, ये संसद में भी इस पर विवाद हुआ था। तो यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे पूछेंगे कि आखिर ये स्लोगन लिखा क्यों गया, राहुल गांधी के बयान पर लिखा गया या वास्तव में अपने मन से लिख दिया गया, ये स्लोगन क्यों लिखा गया? देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हिंदू एक शांति प्रिय कौम है, हम सनातन पे विश्वास रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमारे आदमियों पे अत्याचार होगा, हमारे लोगों को कहीं कुचला जाएगा तो हम चुप बैठेंगे। सिर्फ यही संदेश हम देना चाहते हैं कि हिंदू हिंसक नहीं है, बिल्कुल हिंसक नहीं है, लेकिन हिंदू नपुंसक भी नहीं है। अगर हमारे आदमियों के साथ कुछ होगा तो हम बिल्कुल संसद तक जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। इसी हिंदू हिंसक पर अभी जो है राजनीतिक विवाद भी हुआ था, क्या उसको देखकर आपने लिखा है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज ये बता देना चाहता हूँ कि ये कोई हम आज से नहीं है, हम सनातनी हैं, हम इस धरती के उद्गम से हैं। और हम एक चीज़ ये आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा विरोध करने का किसी का कोई उद्देश्य नहीं, हम किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं कहते हैं। हम हर उस वर्ग का कहीं ना कहीं संरक्षण चाहते हैं जो अल्पसंख्यक है। अगर बांग्लादेश में हमारे लोग अल्पसंख्यक हैं, जिस प्रकार हम यहाँ अल्पसंख्यकों का कहीं ना कहीं उनको सेव करते हैं, उनको बचाते हैं, तो क्या बांग्लादेश में हमारे भाइयों को नहीं बचाना चाहिए? क्या 1%, 2%, 3% की जो भी कम्युनिटी भारत देश में रहती है, क्या उनके साथ गलत होता है तो क्या उसका विरोध नहीं किया जाता? हम बिल्कुल उसका भी विरोध करते हैं, लेकिन हमारे समुदाय हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हम आखिरकार अपनी सरकार से इस बात की मांग करते हैं कि हिंदू के साथ साथ हमारे जो धर्म स्थल हैं, जिनसे हमारी पहचान है, उनका भी संरक्षण किया जाए। और हम एक चीज़ का और निवेदन करते हैं आपसे, आपके माध्यम से, हम माननीय राहुल जी से और बाकी सारे आदमियों से, वो चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या किसी भी पार्टी के हों, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि किसी के साथ भी हिंसा हो, वो चाहे किसी दल का हो, वो किसी वर्ग का हो, वो किसी समुदाय का हो, बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर किसी ना किसी रूप से उसके बारे में कहना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन ऐसा शायद नहीं होता है। जब बात हिंदुओं की आती है तो सारे दल शांत हो जाते हैं, सारे दल शांत हो जाते हैं, ऐसा कहना है इनका। क्या वास्तव में आपको लगता है कि बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही उसमें भारत के राजनीतिक दल शांत हैं? एकदम शांत है, देखा जाए तो कोई भी पार्टी ट्वीट नहीं कर रही है। और जब सरकार बनती है वहाँ पर राहुल गांधी जी स्वयं वहाँ पर ट्वीट करके उसको बधाई देते हैं, तो ये देखा जाए कहीं ना कहीं तो राजनीतिक से जोड़ा जाता है। और हिंदू कोई हिंसक नहीं है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। और हिंदू अगर राम को पूजता है तो परशुराम को पूजता है, इसे शांत भी नहीं बैठेगा हिंदू। हिंदू राम को पूजता है तो परशुराम को भी पूजता है, क्या हिंदू अब हथियार उठाएगा? कह रहे हैं परशुराम को भी पूजता। जब हिंदुओं के ऊपर अन्याय होगा तो हिंदू अपने हक के लिए तो लड़ाई लड़ेगा ही लड़ेगा और दुश्मन को जवाब भी देगा। वैसे तो हिंदू हमेशा शांत प्रिय रहा है, पूरे विश्व में शांत व्यवस्था बनाए रखना चाहता है, लेकिन हिंदुओं के साथ इस तरह का हिंसा लगातार हो रही है, उसका भी हिंदू जवाब देने की प्रयास करेगा और हिंदू जवाब देगा भी। भारत सरकार से क्या मांग करते हैं? भारत सरकार को कि देख रहे हैं आप, जब जो इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, इनको लोगों ने तुरंत कदम लेना चाहिए, तुरंत कदम उठाना चाहिए कि जब इतनी हिंसा हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो उसके ऊपर तुरंत इनको जो है
कोई कदम लेकर के उस मामले को ठीक करना चाहिए। किस तरह से देखते हैं आप बांग्लादेश में जिस तरह से के हालात हैं, किस तरह से देखते हैं उसको आप? निसंदेह वहाँ की ये विभिन्न जो हिंदू विरोधी पूरे विश्व में लोग हैं, ये उन लोगों का पूरी एक रची हुई साजिश के तहत बांग्लादेश में ऐसा कार्य किया जा रहा है। सांसद यहाँ के राहुल गांधी हैं और जो है गढ़ है उनका, नेता प्रतिपक्ष है संसद में, क्या मांग करते हैं उनसे, उठाना चाहेंगे इस मांग को? बिल्कुल, राहुल गांधी को इस बात को उठाना चाहिए, मगर राहुल गांधी इस बात को नहीं उठाएंगे क्योंकि वो पहले ही हिंदू को हिंसक कह चुके हैं। हिंदू को हिंसक कहने वाला, अपने आप को हिंदू मानने वाला, आयतित हिंदू हैं ये सब अपनी बातें केवल संसद में अपने हित की करते हैं, हिंदू हित की कोई बात नहीं करता है। और हिंदू के ऊपर अगर अत्याचार होगा तो हिंदू परशुराम बनने पर मजबूर हो जाएगा। आपने दो लोगों से बात सुनी कि हिंदू के ऊपर अगर अत्याचार होगा तो हिंदू परशुराम बनेगा। परशुराम का मतलब जो है आक्रोश, और वो आक्रोश जो अन्याय के खिलाफ होगा। तो ये कोई मामूली बात नहीं है जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, उसकी आग और उसकी चिंगारी भारत तक आ पहुंची है और लोगों में आक्रोश है। आक्रोश नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के क्षेत्र में है, इसलिए ये समझना होगा संपूर्ण संसद को कि इस मुद्दे पर जो गंभीरता से काम करें और वहां की सरकार पर दबाव बनाएं। रायबली से नीरज कुमार के साथ पंकज गुप्ता, द न्यूज़ 15।